क्या कह रही हूं? तो उसको बोलो ना उसकी प्रॉब्लम है, जो गल फॉन्ट साइज बढ़ा दो भाई। चलो सवेरा ही खराब हो गया पूरा, तिरछे मूड से आई थी। उस साइड वाले ही चला देना। नमस्कार, मैं हूँ नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गया और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। राजगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बोरवेल में गिरी बच्ची का सफल रेस्क्यू। मासूम माही को बोरवेल से निकाला गया बाहर और रेस्क्यू टीम ने सकुशल निकाला उसे बाहर और बच्ची को भोपाल किया गया रेफर। कल बोरवेल में गिरी थी ये बच्ची, एडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बोड़ा थाना क्षेत्र के पिपलिया सोड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक राहत की खबर निकल कर सामने आ रही है, एक बच्ची जो बोरवेल में गिर गई थी, सफल रेस्क्यू के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उस बच्ची को सफल रेस्क्यू करके बाहर निकाला है और फिलहाल उसे आपको बता दें भोपाल के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। मासूम माही बोरवेल से बाहर आ गई है और बोड़ा थाना क्षेत्र के पिपलिया गांव रसोड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक मासूम बोरवेल में गिर गई थी और उसको निकालने का प्रयास लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कर रही थी। तो कल ही बोरवेल में ये बच्ची गिरी थी, उसके बाद तत्काल एक्शन लेते हुए सभी टीमें मौके पर पहुंच गई और पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया। उसके बाद अच्छी खबर फिलहाल यही सामने आ रही है कि बच्ची सुरक्षित है, बाहर आ गई है, फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है, भोपाल रेफर कर दिया गया है। तो मासूम माही बोरवेल से बाहर आ गई, बच्ची को भोपाल रेफर भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब उसका ट्रीटमेंट होगा, मेडिकल होगा, जो कुछ भी उसे देर रात तक परेशानी हुई, क्योंकि रात भर वो एक लगभग एक रात अंदर रही है और कुछ घंटे और, तो उसकी जो तबीयत है वो भी बिगड़ सकती है। फिलहाल आपको बता दें इलाज के लिए उसे भोपाल रेफर कर दिया गया है। मासूम माही बोरवेल में गिर गई थी, उसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने पुरजोर कोशिश की और एक टीम वर्क करके सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए उस बच्ची को बाहर निकाल दिया है। तो मासूम माही आपको बता दें उसका रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है और उसे बोरवेल से बाहर निकाल दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राजगढ़ में बोरवेल के गड्ढे में गिर गई थी ये, 4 साल इसकी उम्र बताई जा रही है माही की। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रात भरी खबर अब यही आ रही है कि माही सुरक्षित है, उसे बाहर निकाल लिया गया है। तो राजगढ़ जिले के पिपलिया गांव रसोड़ा की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां 4 साल की मासूम खुले बोरवेल में गिर गई थी। यह हादसा बोड़ा थाना क्षेत्र में हुआ है। बोर के अंदर बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और आपको बता रही कि दोनों ही टीम ने पुरजोर कोशिश के बाद 4 साल की माही को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। दरअसल आपको बता दें मामा के घर आई थी बच्ची और बोरवेल में फंसी बच्ची का नाम माही है। वो
पिटारिया गांव की रहने वाली है। बच्ची अपने पिता रवि के साथ अपने मामा इंदर सिंह के घर आई थी। यहां खेत में खेलते खेलते वो बोरवेल में गिर गई, लेकिन राहत भरी बात यही है कि वो सुरक्षित बाहर आ गई है। इस तरीके की तस्वीरें आए दिन हम देखते हैं कि खुले बोरवेल रहते हैं जहां मासूम बच्चे गिर जाते हैं। कई बार चेतावनी दी जा चुकी है कि बोरवेल को ढक के रखें और इस तरीके की घटना जिससे बार बार ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम आए दिन ये खबर देखते हैं कि मासूम जो है वो छोटे छोटे बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं, उसके बाद उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। किस्मत अच्छी थी माही की जो कम समय में बाहर आ गई और वो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई दिनों तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है, कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होता है, कई बार फेल हो जाता है, लेकिन माही सुरक्षित बाहर आ गई है, अच्छी खबर है। उसे इलाज के लिए फिलहाल भोपाल पहुंचा दिया गया है जहां उसका इलाज होगा। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस पर नजर बनाए हुए थे, उन्होंने टीम तुरंत रवाना की थी और उनके निर्देश पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची, जिला प्रशासन टीम मौके पर पहुंची, बच्चे को निकालने का काम शुरू किया गया, उसके बाद बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो बोरवेल में फंसी हुई थी माही, आपको बता दें रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके बाद सुरक्षित वो बाहर आ गई है। तो राजगढ़ से एक खबर आपको बता रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ सभी की टीमें मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद रात भर ये ऑपरेशन चला, उसके बाद माही सुरक्षित बाहर आ गई है। इस तरीके की खबरें हम आए दिन सुनते हैं जहां देखते हैं कि बच्चे बोरवेल में गिर गए हैं, उसके माता पिता घंटों परेशान रहते हैं, दिन तक परेशान रहते हैं, हफ्तों परेशान रहते हैं, कई बार ये सफल होते हैं, कई बार असफल होते हैं। फिलहाल राहत की खबर ये है कि माही अपनी जिंदगी जिएगी और वो वापस बाहर आ गई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बोरवेल हादसा देखने को मिला, क्योंकि इस तरीके की घटना अक्सर हमने देखा है, मध्य प्रदेश के कई सारे इलाकों से ही आती है। राजगढ़ जिले के एक गांव में ये घटना हुई, खेत में खेलते वक्त 4 साल की बच्ची माही जो बोरवेल के गड्ढे में गिर गई, कुछ और बच्चे भी वहां खेल रहे थे जिन्होंने घर वालों को तुरंत खबर दे दी। घटना की खबर लगते ही मौके पर प्रशासन आला अफसर पहुंच गए, बच्ची को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया जिसके जरिए उसे बाहर निकालने का प्रयास तुरंत शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि घटना का पता लगते ही गांव के लोगों ने गड्ढे में रस्सी डाली तो बच्ची की बोरवेल के अंदर रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हादसे का शिकार हुई मासूम ने वो रस्सी पकड़ रखी थी और उसके बाद वो चिल्ला चिल्ला कर अंदर से कह रही थी कि मुझे बाहर आना है। प्रशासन ने बहुत दूसरे इस कार्य को अंजाम किया, बालिका को सुरक्षित निकाला, फिर भी जनता की भावना थी बच्ची सुरक्षित आ जाए, उसे प्राण बचे, परमात्मा सब लोग प्रार्थना की और भगवान ने प्रार्थना स्वीकार किया। प्रशासन के सूझबूझ से समझदारी से ये कार्यक्रम सफल, कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं वो भी ट्यूनिंग में बने हुए थे शासन प्रशासन को, तत्काल इस प्रकरण में बहुत जल्दी प्रशासनिक अधिकार चर्चा की। तो आपको बता दें कि रात करीब 2:30 बजे बच्ची को सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाला गया है। 9 घंटे की मेहनत के बाद बच्ची को बाहर निकाला गया। बच्ची मंगलवार शाम 5:30 बजे बोरवेल में गिर गई थी, तो सुरक्षित बाहर निकली है बच्ची। 25 फीट गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने उस बच्ची को 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आपको बता दें रात भर जारी रहा और बोरवेल के पैलर में खुदाई करके बड़े पत्थर बाधा भी बने रहे, इस वजह से समय और लगने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन लगातार प्रयासों के बाद उस बच्ची को बाहर निकाल लिया गया। इधर मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्द हवा चल रही है, इस सर्द हवा के चलते मध्य प्रदेश का मौसम काफी ठंडा हो चुका है। प्रदेश में ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरों का जायजा लेने खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। भोपाल के शाह
जहानी रेन बसेरे की व्यवस्था के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों का हालचाल भी जानना पहुंचे और इस दौरान कुछ लोगों ने सीएम को अपनी बीमारियों के बारे में बताया, जिस पर सीएम ने कलेक्टर को हेल्थ चेकअप कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने यह भी बताया है कि आज छिंदवाड़ा जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों का योगदान होना चाहिए। बुरहानपुर विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस ने जीत हासिल की है। INH 24/7 से बातचीत में अर्चना ने कहा है कि बीजेपी चुनाव देखकर काम नहीं करती, इसलिए बीजेपी के राज में कोई चुनावी साल नहीं होता, हम लोग हमेशा सक्रिय रहने वाले लोग हैं। अर्चना से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को 230 विधानसभा सीटों के परिणाम आए और उस परिणाम में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ अर्चना चिटनिस जी है, काफ़ी वरिष्ठ नेत्री भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। मैम, अप्रत्याशित जीत मिली है, ये कैसे देखते हैं जीत को? नहीं, ये तो बड़ी प्रत्याशित जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और देश का जिस प्रकार से भारत गर्व से पूरी दुनिया में ऊपर उठा है, वो एक कोई मुझे इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं महसूस होता। ये प्रत्याशित जीत थी, जैसी सोची थी, जैसी होनी थी वैसी हुई है। आंकड़ों की बात करें तो लगातार ये कह रहे थे आंकड़े जो हैं पिछली बार बहुत कम हो गए थे, 2018 में 23 में करना है, कुछ सर्वे रिपोर्ट आ रही थी कि 70 सीटें 80 सीटें। तो अर्चना चिटनिस जी चूंकि 5 साल पहले तो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार पार्टी ने खुद उन्हें लड़ा है, फिर ये आंकड़ों में क्या? अब जो भी सेफोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, जो सर्वे करते हैं, वे उनकी अपना काम है, वो अपने तरीके से करते हैं, उनकी अपनी तकनीक हो सकती है। और मैं तो इतना जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव देखकर काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के राज में चुनावी वर्ष नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हम परीक्षा आने पर की खोलकर 20 क्वेश्चन सीरीज खोलकर पढ़ें और फिर उसके अनुसार एग्जाम दें, हम वो दल नहीं है, हम वो कार्यकर्ता नहीं है। सतत एक निष्ठा के साथ में, एक कर्तव्य बोध के साथ में हम जनता के बीच रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं और जनता किस प्रकार विश्वास करती है ये आप देख रहे हैं। एक आखिरी सवाल है और सबसे अहमियत भरा सवाल है, चूंकि आप वरिष्ठ नेत्री भी हैं इसलिए जानना जरूरी है। चुनाव संपन्न हुए हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन चेहरा कौन? क्योंकि इसके पहले देखा कि पूरा चुनाव कैंपेनिंग निकल गई, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन ये इसकी जानकारी नहीं दी गई, अब सरकार का गठन होने जा रहा है, अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, ये विषय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का है। तो ये थी अर्चना चिटनिस जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं तय करने वाला है। कैमरा पर्सन नितिन मालवीय के साथ प्रदीप तलाई, INH 24/7 भोपाल। जबलपुर उत्तर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक अभिलाष पांडे ने जनता का आशीर्वाद लेने विजय यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने INH 24/7 से बातचीत करते हुए कहा है कि मैंने चुनाव नेता नहीं बड़ी नहीं बेटा बनकर लड़ा है और क्षेत्र की जनता से अपने बेटे को आशीर्वाद मिला है। नवनिर्वाचित विधायक से बातचीत की हमारे संवाददाता संजय साहू ने। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो बने हैं उनका विजय जुलूस निकल रहा है और देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं जबलपुर उत्तर मध्य क्षेत्र के विधायक अभिलाष पांडे, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अभिलाष भाई, जिस प्रकार की जीत दर्ज की है, कहाँ से आया है ये सब? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने भाजपा के अंदर विश्वास किया कि विकास का पर्याय कोई हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। और आज आप देख रहे होंगे जिस तरह का आशीर्वाद जनता ने हम सब लोगों को चुनाव पे दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के उस विश्वास की जीत है। नेता नहीं बेटा बनकर आया हूँ, इसलिए ये यात्रा, आभार यात्रा हम बुधवार को करने वाले थे, लेकिन फुहारा का मार्केट खुला रहता है, व्यापारी और जो लोग जाते हैं वो सब परेशान होते, इसलिए हमने कहा कि हम मंगलवार के दिन करेंगे। यही नेता नहीं बेटे की पहचान है, किसी को परेशानी नहीं, किसी को समस्या नहीं, और सेवा करने आया हूँ, सेवा करेंगे।
ये मोदी जी, अमित शाह जी, शिवराज जी, नड्डा जी, बी डी शर्मा जी के कुशल नेतृत्व और विकास की जीत है और जिसको हम लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। क्या प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकता है उत्तर मध्य विधानसभा की जनता की सेवा, जिसकी शुरुआत आज से हमने कर दी है कि परेशानी नहीं होने दी जाएगी, समस्या नहीं होने जाएगी, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए सतत कृत संकल्पित रहे। शपथ के बाद पहली प्राथमिकता? बिल्कुल निश्चित तौर पर। मैंने बहुत सारी प्रायोरिटीज तय, बहुत सारे मैनिफेस्टो में चीजें बनाई है, उसमें से हम डिस्कशन करके पहली प्राथमिकता को आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर इंदौर से बता दें, जहां इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले विधायक रमेश मेंदोला का एक फोटो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मेंदोला के हाथ में कथित तौर पर एक नेम प्लेट दिखाई दे रही है। इसमें उनके नाम के साथ गृह और परिवहन मंत्री लिखा गया है, जिसे लेकर रमेश मेंदोला ने आपत्ति लेते हुए एक पत्र इंदौर पुलिस कमिश्नर को भेजा है और फोटो वायरल करने वाले अज्ञात राजनीतिक तत्व के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मेंदोला ने अपने पत्र में फोटो से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। ये मेरे अभी आप लोगों के माध्यम से ही संज्ञान में आया है कि इस प्रकार का एक पत्र माननीय विधायक जी ने लिखा है। अभी यह पत्र मेरे देखने में आया नहीं है, क्योंकि संभवतः आज ही वह लिखा गया है। इसमें हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि वो कहाँ से, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चला है तो उसका जो ओरिजिन है उसको ढूंढने का। इधर अलीराजपुर जिले के जोबट में सांसद गुमान सिंह डोमर ने रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गुजरात के लिए प्रतापपुर के लिए रवाना किया। वहीं आपको बता दें, जोबट में ट्रेन शुरू होने से रेल यात्रियों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद डामोर ने कहा है कि केंद्र सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है। इधर सागर जिले की 8 विधानसभाओं में 7 बार बीजेपी को जीत मिली है, वहीं बीना विधानसभा में लगातार 2 बार के भाजपा विधायक महेश राय को 6,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा प्रत्याशी महेश राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सागर जिला अध्यक्ष गौरव सरूठिया सहित कई मंडल अध्यक्ष पर भीतरघात करने का आरोप लगाया है। राय ने कहा है कि मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीएम शिवराज सिंह चौहान और संगठन से शिकायत करेंगे। हम जिले में 8 की 8 सीटें जीतते, आखिर में हमारी सीट में हराने का काम गौरव सरूठिया जी के नेतृत्व में संगठन के लोगों ने किया है। इसके साथ में अनेक नाम है जो सभी पदों पर है। मैं मीडिया के माध्यम से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी को, संगठन के महामंत्री जी को, माननीय शिवराज सिंह जी को मैंने लिखित में भी इस शिकायत पत्र को भेजा है। भोपाल के शिवाजी नगर चौराहे पर तेज रफ्तार के एक्सीडेंट से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में ट्रैफिक के नियमों का भी पालन नहीं हुआ है। बड़े स्पीड ब्रेकर होने की वजह से कार उछलकर डिवाइडर में घुस गई। हादसे में 2 लोगों की स्पॉट पर ही मौत हो गई। अब नगर निगम और पुलिस प्रशासन के साथ ट्रैफिक विभाग भी शहर के ब्लैक स्पॉट की पड़ताल कर रहा है। साथ ही शिवाजी नगर चौराहे पर बने चारों तरफ की स्पीड ब्रेकर को सुरक्षा दी जाएगी और सुधारा भी जाएगा। छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे, जिससे कार उछलने का खतरा नहीं बनेगा। वहीं मामले में महापौर मालती राय ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा की है और नगर निगम के कर्मचारियों को आज से ट्रैफिक के ब्लैक स्पॉट को सुधारने के निर्देश दिए हैं। आपके चैनल के माध्यम से उस दिन मालूम पड़ा था, तो मैंने तुरंत जाकर के माननीय महापौर जी से आग्रह किया था कि दीदी हमारे क्षेत्र में वो चौराहा है, शिवाजी चौराहा, जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दीदी ने तुरंत उसको संज्ञान में लिया। उन्होंने कहा जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है हम अधिकारियों के साथ वहाँ दौरा करेंगे, क्या हम उसमें उचित व्यवस्था कर सकते हैं जिससे जनता के हित में कार्य हो सके। सक्रियता के साथ महापौर जी ने उस चीज़ को ध्यान में लिया और आज यहाँ अधिकारियों के साथ वो आई हैं, उस समस्या का निराकरण होगा।
इसी बीच रुक कर लेते भोपाल का, बड़ी खबर भोपाल से, जहां कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। सीएम फेस को लेकर भाजपा में बैठकों का दौर जारी, और भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल। दिल्ली में हुई अहम बैठक, पीएम आवास पर देर रात तक चली बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा रहे मौजूद। जल्द ही हो सकता है सीएम फेस को लेकर बड़ा फैसला। नव निर्वाचित विधायकों से ली जा रही है राय शुमारी। तो मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बैठकें शुरू हो गई है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहे बैठक में। जल्द हो सकता है सीएम फेस को लेकर फैसला। नव निर्वाचित विधायकों से भी राय शुमारी इस पूरे मुद्दे को लेकर ली जाएगी। तो सीएम फेस को लेकर भाजपा में बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस मामले को लेकर हलचल है, और दिल्ली में एक अहम बैठक भी हुई है, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक ली है। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए स्पर्श शर्मा। स्पर्श, अब विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जिस वक्त से रिजल्ट सामने आया, उस वक्त से ही ये सवाल है कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसको लेकर बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल, कल देर रात को पीएम आवास पर ये बड़ी बैठक होती हुई नजर आई है। 4 घंटे के करीब मंथन जो है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो गृह मंत्री अमित शाह है वो जो है करते हुए नजर आए। अब चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जो अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता हुआ जो है नजर आ सकता है। क्या पुराने चेहरों पर दाम लगाती हुई बीजेपी नजर आएगी, या फिर लोकसभा चुनाव की रणनीति को ध्यान में रखते हुए कोई नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी जो है इन राज्यों में जो है देती हुई नजर आ सकती है। इसको लेकर लगातार मंथन जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, और तमाम नेताओं की बात करें तो वो भी दिल्ली देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की बात की जाए या फिर छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष की बात की जाए, वो लगातार नेताओं से भी मुलाकात जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब चूंकि फैसला आलाकमान को लेना है, और आलाकमान ने कल 4 घंटे के आसपास लगातार बैठक जो है की है, अब उसके बाद ये देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से जो है चेहरा निकल कर सामने आता है। कोई सरप्राइजिंग चेहरा निकल कर सामने आता है, या फिर पुराने चेहरों पर जो है दाम लगाती हुई बीजेपी नजर आएगी, महत्वपूर्ण रहेगा जी। स्पष्ट, अब देखना होगा कि क्या बीजेपी पुराने चेहरों पर दाव लगाती है, या कोई नया चेहरा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ की अहम खबर।